सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी की डिमांड पे मैं लेके आ रहा हूं। बहुत ही ज्यादा मुझे कमेंट में कहा गया था, सर मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के लिए आप वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के लिए, जो कि एक एंटीबायोटिक टेबलेट और बहुत ही ज्यादा मल्टीपल यूज इसके हैं, तो यूज को मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। क्या स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है, इसकी साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, इसके डोज क्या रहती है, किन किन दवा के साथ में इंटरेक्ट करता है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस दवा को एल्कोहल के साथ ले सकते हैं या इसको नहीं ले सकते, और गलती से यदि कोई ले ले तो क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इस कारण के हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेट्रोनिडाजोल एक एंटीप्रोटोजोल तथा एमोबियासाइड ड्रग है, जो कि नाइट्रो इमिडाजोल ग्रुप से बिलोंग करती है। यह इंटेस्टाइनल तथा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों ही प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोगी है। मेट्रोनिडाजोल आपको टेबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, ओरल जेल में, साथ ही वेजिनल जेल की फॉर्म में मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के बारे में ही सीखेंगे। आने वाले दिनों में मैं बाकी सब फॉर्म के बारे में वीडियो बनाऊंगा। मेट्रोनिडाजोल टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये आपको 200 मिलीग्राम तथा 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, साथ ही 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी मिल जाती है। दोस्तों आप में से कई जनों ने पहली बार ही सुना होगा ये 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आती है, तो ये भी एक इसकी स्ट्रेंथ है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है मेट्रोनिडाजोल दवा का जेनेरिक नाम है, तो ये अपने इसी नाम से मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाती है। साथ ही कई सारे इसके ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है जो आपको फ्रीली मिल जाते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में आपको बता दूं, जैसे फ्लैगाइल टेबलेट जो मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोजिल टेबलेट, साथ ही मेट्रो टेबलेट, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं भी मिल जाएंगे। और हो सकता है आपके एरिया में कोई दूसरा ब्रांड मिले, क्योंकि जो ब्रांड रहती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, लेकिन जो सभी ब्रांड्स हैं एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, क्योंकि जो दवा का मूल नाम रहता है वो मेट्रोनिडाजोल ही रहता है। दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो बहुत ही सस्ती दवा है, आपको 2 रुपये से लगाकर 3 रुपये में प्रति टेबलेट आसानी से कहीं पे मिल जाएगी। और अगर मेट्रोजिल की बात की जाए 2 रुपये से सस्ती ये मिल जाती है आपको। दोस्तों अब वीडियो में बढ़ लेते हैं इसके यूज़ की तरफ, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने जाना ही था कि मेट्रोनिडाजोल के बहुत ही ज़्यादा उपयोग लिए जाते हैं, मल्टीपल यूज़ की ये दवा है। तो जो इसका मुख्यतः प्रयोग लिया जाता है वो फीमेल्स के लिए लिया जाता है। यदि किसी महिला को बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की प्रॉब्लम हो गई हो, जिसमें महिला को वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है वाइट या ग्रे कलर का, उसको बेड स्मेल रहती है, साथ ही पेशाब में उसको जलन रह सकती है, पेशाब में उसको दर्द हो सकती है, ये कुछ समस्या का सामना उसको करना पड़ सकता है, तो उस समय मेट्रोनिडाजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही कोई महिला उसको पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नाम की बीमारी होगी, जिसमें महिला के यूटेरस, ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब या उसके जो जननांग है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो लक्षण मैंने अभी बताए थे वो सेम ही लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, उस स्थिति में भी मेट्रोनिडाजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। महिलाओं की एक और बीमारी है दोस्तों, जिसे हम ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, ये भी एक जननांगों की बीमारी है। उसमें महिला को इचिंग रहती है जननांगों में, साथ ही रेडनेस रहना और थिन वाइट डिस्चार्ज रहना, ये इसका कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उस समय में भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और साथ ही ल्यूकोरिया में भी यह टेबलेट फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। फीमेल्स के अलावा अगर बात की जाए तो यदि कोई पेशेंट है जो मेल है या फीमेल है, उसको स्टोमक में इन्फेक्शन हो गया हो, साथ ही इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया हो या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, मतलब इंटेस्टाइन के अलावा एब्डोमिनल का जो दूसरा एरिया है जैसे इंटेस्टाइन के बाहर, स्टोमक के बाहर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह दवा बहुत ही उपयोगी है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको लंग्स का इन्फेक्शन हो गया हो, साथ ही न्यूमोनिया हो गया, जो भी एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन ही है, इन दोनों ही तरीके के इन्फेक्शन में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा खांसी चलने लग जाती है, चेस्ट में उसको दर्द रहता है, श्वास लेने में परेशानी होती है, बुखार भी कई बार आने लग जाता है, तो इस तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही अगर इसके प्रमुख यूज जो है बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है, और आप में से कई दोस्तों ने इसके लिए लिया भी होगा, वो है अमोएबिक डिसेंट्री, मतलब जब आपको पेचिस होती है, दस्त बहुत ही ज़्यादा लगने लग जाती है, तो उस समय यह दवा दी जाती है। साथ ही गार्डियासिस नाम से की बीमारी है, जिसमें और तथा डिसेंट्री में, इन दोनों में आपको दस्त लगेगी, दस्त के साथ कई बार खून भी आ सकता है, पेट में दर्द रहेगा, मरोड़ रहेंगे,
तो इस स्थिति में आपको यह मेट्रोनिडाजोल टेबलेट दी जाती है और बहुत अच्छा इसका असर रहता है और बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग लिया जाता है। इन सभी यूज़ के अलावा अगर बात की जाए तो ओरल इन्फेक्शन यदि किसी प्रकार का हो गया हो, जैसे कि गाल के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तलुए के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस समय में मेट्रोनिडाजोल टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही गम्स डिजीज़ किसी को हो गई हो, मतलब मसूड़ों में उसको स्वेलिंग हो रही हो, रेडनेस हो गया हो, या मसूड़ों में उसके खून आ रहा हो, तो उस समय में भी यह जो मेट्रोनिडाजोल है जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर की समस्या हो गई हो या लीवर में एब्सेस उसको हो गया हो, तो जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो मेट्रोनिडाजोल टेबलेट बहुत ही अच्छी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक और मैं यूज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आप में से कई दोस्तों को नहीं पता होगा, ये प्री टर्म बर्थ को भी रोकता है। मतलब यदि कोई फीमेल है जिसकी जो बर्थ है बच्चे की वो पहले होने जा रही है, रीज़न उसमें बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की प्रॉब्लम हो गई हो और जिस कारण से जो बच्चे के बर्थ है 9 महीने से पहले होने जा रही, तो उस बर्थ को रोकने के लिए भी मेट्रोनिडाजोल जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो यूज़ लेते हैं। इसको देने से जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है वो ठीक हो जाता है और जो सर्विक्स का मुँह है पहले नहीं खुल पाता और बच्चे का जो जन्म है प्रॉपर टाइम पर ही होता है, तो इस तरह से भी इसका प्रयोग लेते हैं। और हो सकता है जो मैंने प्रयोग बताए हैं इसके अलावा भी कोई दूसरी बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार प्रयोग ले या कोई नई स्टडी में अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसको प्रयोग में ले। दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग लिया जाता है एज ए बैक्टीरियल एंटीप्रोटोजोअल साथ ही एमीबियोसिस के रूप में, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कई सारे साइड इफेक्ट देखे गए हैं और जो साइड इफेक्ट है वो इसके यूज़ से मिलते जुलते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूँ क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो साइड इफेक्ट होते हैं तो कॉमन साइड इफेक्ट में व्यक्ति को नोज़िया वोमिटिंग रहना, साथ ही दस्त लगना, जो कि इसका यूज़ है दस्त को रोकने के लिए प्रयोग लेते हैं, लेकिन कई व्यक्तियों में इसका यदि दस्त के लिए दिया जाता है या तो दस्त लगना ज़्यादा हो जाएगी या कोई दूसरी बीमारी में दिया गया तो उसको दस्त लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सिर दर्द होना, मुंह में मेटालिक टेस्ट आना, ड्राइनेस रहना, जीभ पे सूजन रहना और लॉन्ग टर्म यूज लेने पर इसमें व्यक्ति का वेट लॉस भी हो जाता है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखे जो मोस्ट कॉमन है। यदि ये या इसके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही इस मेट्रोनिडाजोल टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट को जानने के बाद कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन मैं आपको बता दूँ, कौन कौन सी वो कंडीशन है, कौन सी बीमारी है जब व्यक्ति को यह दवा नहीं दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति है जो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है या कोई मस्तिष्क रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज उसको हो गई हो, या कोई व्यक्ति है उसको ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी हो गई हो, या प्रेग्नेंट वूमन है कोई जिसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा हो, मतलब पहले महीने से लगाकर तीसरे महीने में प्रेगनेंसी में यह दवा नहीं दी जाती, और वह व्यक्ति जो क्रोनिक एल्कोहलिक है मतलब बहुत ही ज़्यादा शराब का नशा करता हो, तो उसे भी यह दवा नहीं दी जाएगी। और यदि इन कंडीशन से आप पीड़ित है या सफरिंग है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं जिससे कि आपको मेट्रोनिडाजोल टेबलेट नहीं लिख के कोई दूसरी टेबलेट लिख सकें। दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसकी डोज की तरफ, कितनी मात्रा में पेशेंट को दी जाती है। वैसे को आप सभी को पता है जो दवा होती है पेशेंट के एज, उसके वेट तथा जो डिजीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, और जो मेट्रोनिडाजोल भी डिजीज़ टू डिजीज़ उसकी जो डोज है बिल्कुल अलग है। अभी मैं आपको जो डिसेंट्री की डोज है अमोबिक डिसेंट्री की उसके बारे में बता दूँ। एडल्ट में 400 मिलीग्राम की जो टेबलेट है दिन में 3 बार, या कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो दिन में 2 बार दी जाएगी, और साथ ही अगर कोई फीमेल है उसको वेजोनियासिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये सेम ही डोज उसकी रहती है, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार 400 मिलीग्राम की टेबलेट, ये 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक दी जाती है। और फीमेल्स में कई बार 14 दिन के लिए, 14 दिन से ज़्यादा भी दी जा सकती है, तो उसकी इन्फेक्शन पर निर्भर करता है। और जब ये टेबलेट लेते हैं तो आपको खाने के बाद में लेनी होती है और कई बार खाने के बीच में भी आप ले सकते हैं। और इस टेबलेट को लेने पर आपको मुंह में मेटालिक टेस्ट भी आएगा, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, टेबलेट जब लेना बंद कर देंगे तो कुछ समय बाद मेटालिक टेस्ट अपना रुक जाएगा। और इस टेबलेट के साथ में कई बार आपको दूसरी एंटीबैक्टीरियल टेबलेट भी दी जाती है जब इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करना हो। और कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें दोस्तों इसकी 2 ग्राम तक की डोज सिंगल डोज में दी जाती है, तो इसकी जो डोज रहती है बीमारी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। और मेट्रोनिडाजोल के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मेट्रोनिडाजोल टेस्ट में बहुत ही कड़वा होता है, खारा होता है, तो ये आपको लेते समय या तो उल्टी हो सकती है या आपको उब के आ सकते हैं, तो इस जिस समय इस टेबलेट को आप ले तो तुरंत ही इस टेबलेट को मुंह में रखते हैं, निगल जाएं, इसको चबाएं नहीं, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा पानी पिए। और यदि आपको इस टेबलेट को लेते समय या लेने के बाद में आपको नोजिया वोमिटिंग टाइप लगे तो ड्यूरिंग द माइल इसको लें, खाना खाने के दौरान उसको लें जिससे कि आपको ये सामना कम करना पड़े। और साथ ही जो जैसे मैंने बताया था आप ये टेबलेट लेते हैं तो आपको मुँह में मेटालिक टेस्ट थोड़ा सा लगता है, तो उससे बिल्कुल आप नहीं घबराएं। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से जरूर मिल लें। अगर बच्चों में इसके डोज की बात की जाए तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है 30 मिलीग्राम से लगाकर 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम
प्रतिदिन में डिवाइडेड डोज में दी जाती है। ये डिसेंट्री की मैंने डोज बताई है और अलग अलग बीमारी में इसकी अलग अलग डोज होती है। साथ ही अगर कोई वुमन है जो प्रेग्नेंट है उसे दवा नहीं दी जाएगी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी यह दवा नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं मेट्रोनिडाजोल किसके साथ इंटरेक्ट करता है और क्या अल्कोहल के साथ में इस दवा को लेना चाहिए। दोस्तों इसके अगर इंटरेक्शन की बात करें तो ये रिफाम्पिन, फिनोबार्बिटोन, वारफरिन और साथ ही सिमेटिडिन इन सब के साथ में इंटरेक्ट करता है। मतलब इनके साथ में लेने से मेट्रोनिडाजोल का जो असर है कम हो जाता है, प्रॉपर डिजायर इफेक्ट नहीं मिल पाता, इसी कारण से इनके साथ में दवा नहीं ली जाती। और अगर अल्कोहल की बात की जाए क्या अल्कोहल के साथ में मेट्रोनिडाजोल टेबलेट ले सकते हैं, तो दोस्तों इसका जवाब पूरी अच्छी तरह से आप सुन लें, इसको कभी भी किसी भी सूरत में अल्कोहल के साथ में नहीं लें। या अगर आप टेबलेट ले रहे हो तो अल्कोहल का सेवन नहीं करें, क्योंकि जब आप मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के साथ अल्कोहल ले लेते हैं तो आपको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देती है। मतलब डाइसल्फिराम एक दवा है जो शराब छोड़ने के लिए काम आती है, तो उसके जैसे आपको रिएक्शंस दे देती है। और डाइसल्फिराम के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, यदि आप जानना चाहते हैं तो आइबटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप एक लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। आप डाइसल्फिराम लेते हैं या मेट्रोनिडाजोल के साथ में अल्कोहल ले लेते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ होना, दस्त आपको लगना, पूरे मुँह पे रेडनेस हो जाना, साथ ही हृदय गति जो है, हार्ट रेट है, बहुत फास्ट हो जाती है, चक्कर व्यक्ति को आता है, कई बार उल्टी के साथ में खून भी आ जाता है, सांस लेने में समस्या उसको रहती है, ये सभी जो कंडीशंस है अल्कोहल लेने के कारण होती है। तो दोस्तों जब आप मेट्रोनिडाजोल टेबलेट ले रहे हो तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आया होगा जब मेट्रोनिडाजोल टेबलेट लेना बंद कर दें तो उसके बाद तो सर ले ही सकते हैं। तो इसके लिए एक सलाह है मेरी दोस्तों, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो मेट्रोनिडाजोल का, आप जो आपकी लास्ट डोज आपने ली है तो उस डोज से लगाकर 48 आवर्स तक आप उस अल्कोहल का सेवन नहीं करें। 48 ओवर या 50 ओवर के बाद में आप अल्कोहल का सेवन करें तो आपको उसको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और अल्कोहल पे मैंने विशेष जोर दिया है क्योंकि ये बहुत ही घातक कंडीशन उस समय हो जाती है, पेशेंट को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है, कई सारे कमेंट्स मुझे दोस्तों ने कहा था, तो ये वीडियो आप ही के लिए था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी नई जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है इसे दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले वीडियो देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदि से, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।